प्रणाम जी सुंदरता जी, शोभा देखने का प्रयास कर रही हैं। परम धाम के 25 पक्ष सद्गुरु महाराज श्री जोहरदास जी की परम धाम की बड़ी वृद्धि के माध्यम से इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं। पेज नंबर 30 पैराग्राफ बोल चबूतरे तो गिना मूल मिलावे की शोभा का वर्णन हो रहा है। मूल मिलावे की पूर्ण हवेली के मध्य में कमल भर ऊंचा 64 पहल का चबूतरा आया है। उन चबूतरे की शोभा का वर्णन इन पैराग्राफ में मध्य में 64 पहल का कमल भर का ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके किनार पर 64 थंभ आए हैं। छत में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, चारों तरफ मोतियों की झालर शोभा दे रही है। चबूतरे के ऊपर सेंद्रिया रंग की गिलम बिछी है, जिसके किनार पर श्याम श्वेत हरी जल इन चार रंगों की डोरी की अक्ष गिलम के मध्य भाग में एक मंदिर की जगह पर 1000 पाखड़ी के कमल के फूल की आकृति उस गिलम में शोभा दे रही है। इस फूल के चारों तरफ दूरी पीली कांगड़े की चित्रकारी की हुई है। चारों दिशाओं में सीढ़ियों के सामने 4 रास्ते एक एक मंदिर के चौड़े और 7 मंदिर के लंबे आकर श्याम रंग की कांगड़े से मिल गए हैं। 4 रास्ते आने से इलम के 4 भाग दिखाई देते हैं। इलम पर अनेक प्रकार की चित्रकारी बनी है, जिसकी शोभा का सुंदरता का कोई पारावार नहीं है। यह किलम 1.25 हाथ की ऊंची पश्चिम की बनी हुई है। इस पर बैठने से बैठ जाती है और उठने से उठ जाती है, मानो ये स्प्रिंग का चेतनमयी है। इस किलम के किनार पर 4 रास्ते श्याम रंग को छोड़कर 60 लाल तकिए 64 खंभों के बीच पटेरे के साथ आए हैं। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा। मूल मिलावे की गोल हवेली के ठीक मध्य में चबूतरे की शोभा आई है। कमल भर का ऊंचा चबूतरा, 64 पहल का चबूतरा, बांस के कोनों पर खंभों की शोभा। मध्य में 64 पहल का कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसकी किनार पर 64 थंभ आए हैं। छत में सुंदर चंद्रमा शोभा ले रहा है, चारों ओर मोतियों की झालर शोभा ले रही है। चबूतरे के किनार पर थंभों की शोभा, इन थंभों को भराए के अति सुंदर चंद्रमा की शोभा आई है, जिनमें मोतियों की झालर अति सुंदर प्रतीत हो रही है। मध्य चबूतरे पर घेर कर आए 64 थंभ। 64 थंभों के बीच की ये जो संपूर्ण जगह है, इनके ऊपर एक चंद्रमा आया है। 64 थंभों के बीच में जो मेहराबे आई हैं, उन मेहराबों के ऊपर छत की तरह चंद्रमा की शोभा आई है। उनमें अनेक प्रकार के जवेरा जड़े हैं। चंद्रमा के अंदर जवाहरातों से अनेक प्रकार के वृक्ष, लताओं, बेल, बोटियों, फूलों, पत्तियों आदि के चित्र है। ये शोभा अति सुंदर है। माही बिरख बेली कई कटा, कई फूल पात नकश, देख जवेर जुगत कई चंद्रमा, जानो के अति सरस, जानो के अति सरस। चबूतरे की किनार पर थंभों की शोभा, थंभों को भराए की चंद्रमा की शोभा। और चबूतरे पर पश्चिमी गिलम बिछी है, सेंद्रिया रंग की पश्चिमी गिलम, अति सुंदर गिलम। ये गिलम 1.25 हाथ ऊंची पश्चिम की बनी है।
इसमें रूहें बैठती हैं तो बैठ जाती हैं, उठती हैं तो ये किलम भी उठ जाती है। मखमली गिलम की शोभा अति सुंदर गिलम, गिलम में बेशुमार चित्रामन, और गिलम के किनार पर डोरी की शोभा आई है। श्याम श्वेत हरित और चर्द, श्याम श्वेत हरित और चर्द घेर कर डोरी की शोभा आई है। इन डोरी में भी बेशुमार चित्रामन है। इन नक्शों में देखते हैं ये चबूतरे की शोभा, सेंधिया रंग की गिलम की शोभा, किनार पर ये खंभों की शोभा का चित्र। गिलम के मध्य भाग में हजार पॉम्पी की कमल के फूल की आकृति आई है। एक मध्य की जगह पर कमल के फूल की आकृति गिलम में शोभा दे रही है। गिलम के मध्य भाग में एक मंदिर की जगह पर हजार पापड़ी के कमल के फूल की शोभा। इस फूल के चारों तरफ डोरी बेली कांगड़ी की अजब चित्रकारी आई है। फूल के चारों तरफ अति सुंदर डोरी बेली कांगड़ी की शोभा आई है। चारों दिशाओं में सीढ़ियों के सामने रस्तों की शोभा आई है। ये रास्ते एक मंदिर के तो चौड़े हैं और सात मंदिर के लंबे आए हैं। चारों दिशाओं में सीढ़ियों के सामने चार रास्ते एक एक मंदिर के चौड़े सात मंदिर के लंबे आकर श्याम रंग की कांगड़ी में मिल गए हैं। ये जो रास्ते हैं, ये जो श्याम रंग की कांगड़ी आई है उनमें आकर मिल गए हैं। चार रास्ते आने से गिलम चार भागों में दिखाई दे रही है। इनपे अति सुंदर चित्रामन नक्शकारी बेल बूटियों की, चेतन गिलम मानो श्रृंगदार, बैठिए तो बैठ जाती है, उठिए तो उठ जाती है। गिलम अति सुंदर गिलम, और चारों दिशाओं में जो रास्ते आए हैं श्याम रंग की जो जगह आई है उनको छोड़कर चारों दिशाओं में ये जो रास्ते आए हैं इन्हें छोड़कर घेर कर थंबों के साथ लगते 64 थंबों के साथ सात लाल तकियों की शोभा आई। चारों तरफ चंद्रमा 64 थंबों के बीच जोत करी सब जवेरु जीता तले दुलीच। माहे बिरत बेली कई कटा कई फूल पात नकश, देख जवेर जुगत कई चंद्रमा जानो की अति सरस। इन चोक बिछाई गिलम तापर सिंहासन, चारों तरफ छलकत जोत लहरी उठत किरण। छलकत सुंदर किरण अति शोभित सिंहासन, यू जोत जमी जवेरन की बीच जुगल जोत रोशन। जेता एक कठेरा सब में सुंदर तकिए, फिर तकियों साथ बनाए की बैठे एक दिली में, बैठे एक दिली में। चबूतरे के किनार पर थंबों की शोभा, थंबों को बनाए की चंद्रमा की शोभा, चबूतरे पर पश्चिमी गिलम, गिलम के मध्य भाग में हजार पापड़ी के फूल की शोभा, जिन पर कंचन रंग सिंहासन की शोभा। थंबों के साथ जो बढ़ेड़े आई है उनके साथ तकियों की शोभा।
मध्य में 64 थम्ब चबूतरा, चबूतरे के किनार पर आए थम्ब, थम्बों को बढ़ाए के चंद्रमा, सेंधिया रंग गिलम की शोभा, सेंधिया रंग गिलम की शोभा। ये देखिए, सिंह 1000 पांखे का कमल का फूल, चारों दिशाओं में आए रास्ते, मध्य में आए कमल पर ऊंचे चबूतरे की शोभा, चबूतरे की किनार पर आए थम, सेंधिया रंग की गिलम, ठीक मध्य में कमल का फूल, चारों दिशाओं के रास्ते, जिसे गिलम के 4 भाग हो गए। सेंधिया रंग की अति सुंदर पश्चिमी गिलम, कमल के फूल की आकृति घेर कर सुंदर कांगड़ी की शोभा, और इनके साथ लगते रस्ते याद करो सोई साई, जो हंसने मांगिया खेल, सो खेल खुशहाली लेके, उठो कीजे के, उठो कीजे के। श्याम श्वेत हरित चर डोरी की शोभा, किनार पर आए सुंदर नोरमई थन, ऊपर नोरमई मेहराबे, चारों दिशाओं के रस्तों को छोड़कर तकियों की शोभा, 64 थम्बों के मध्य 60 तकियों की शोभा। चौसठ थम्बों के साथ, कठेड़े के साथ लगते तकिए, जो चारों दिशाओं के रास्ते हैं उनको छोड़कर, और ये श्याम श्वेत हरित जरदोरी की शोभा। चौसठ थम्ब, ऊपर 64 मेहराबे, रस्ते सीढ़ियों से जाकर मिलते हुए, गिलम की बेशुमार शोभा, 64 थम्बों को भराए के चंद्रमा की अति सुंदर शोभा।